दिलोखुद मेट्रो स्टेशन पर दो मेट्रो बसें आपस में टकरा गई हैं। हादसे में एक खातून जहां भाग, नौ मुसाफिर जख्मी हुए जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर से। अरसलान बताइएगा हादसा कैसे पेश आया। के करीब जो है वो मेट्रो बस जो थे मेट्रो बस सर्विस में चलने वाली जो बसें थी उनका आपस में हादसा पेश आया। दोनों बसें रेस्क्यू ड्राइव के मुताबिक कहा जा रहा है कि आपने सामने से आपस में टकराई थी। हादसे के बाद से एक खतून जहां बाग जिसकी जो शनाख्त है वो अमारा मुबीन के नाम से हुई और खतून जो थी वो काना नू की रहती थी। इस हादसा में रेस्क्यू ड्राइव के मुताबिक 10 से 16 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। 10 अफराद की हालत जो है वो काफी तश्वीशनाक बताई जा रही है जिन्हें लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू की जो है वो 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ड्राइव के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो इब्तदाई ऑपरेशन था जख्मियों को मुंतकिल करने का वो मुकम्मल कर लिया गया है और वहां पर मजीद जो है वो सर्चिंग जारी है कि हादसा में कोई और अफराद जो है वो जख्मी तो नहीं हुए, क्योंकि एक मेट्रो बस के अंदर जो है वो तकरीबन 40 से 50 अफराद जो थे वो सवार थे। तो इस हादसे का शिकार होने वाली दोनों बसें इस वक्त मौका पर मौजूद है। पुलिस और दीगर इमदादी टीमें भी मौका पर पहुंच चुकी हैं। फिरोजपुर रोड को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया और वहां पर जो है वो ट्रैफिक की भी लंबी कतारें लग चुकी हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है और रेस्क्यू की जानी से कहा जा रहा है कि सर्च किया जा रहा है कि आखिर यह हादसा कैसे पेश आया, इसमें गलती किसकी थी। पुलिस की जो है वो कुवा से जो है वो तहकीकात कर रही है कि हादसे की असल वजह क्या थी। बसें जो है वो अपने सामने से आपस में टकराई हैं। ड्राइवर जो थे दोनों बसों के वो शदीद जख्मी हो गए, उन्हें भी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जी अरसलान ये भी बताएगा कि जो खातून जहां बाग हुई है उनकी शनाख्त हो गई है। तिलोखुर्द मेट्रो स्टेशन पर दो बसें मेट्रो बसें आपस में टकरा गई हैं जिससे शदीद नुकसान हुआ है। फ्रंट विंडो के जो शीशे हैं वो भी टूट चुके हैं जिसमें एक खातून जहां बाग हुई और 9 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं जो मुसाफिर थे, जबकि ड्राइवर्स भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं और इन सब ज़ख्मियों को करीबी हस्पताल में मुंतकिल किया है और तिबी इमदाद इन्हें दी जा रही है।